सावधान, चार पहिया वाहन मालिक सुबह 8 से शाम 8 तक नहीं कर सकते गाड़ी रोड पर खड़ी, अगर की तो आपकी गाड़ी जा सकती है थाने। कोर्ट रोड, राजेश्वरी रोड, आर्य समाज रोड पर की चलानी कार्रवाई। जी हां, खबर जिले के यातायात थाने से आ रही, जहां एसपी शिवपुरी राजेश सिंह चंदेल के निर्देशन में आज यातायात प्रभारी शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए सड़कों पर निकले। शहर के सबसे व्यस्ततम रोड जिनमें कोर्ट रोड, राजेश्वरी रोड, आर्य समाज रोड पर रखी चार पहिया वाहनों को क्रेन की मदद से उठाया गया। जिन लोगों ने चेतावनी दी के बाद भी गाड़ी नहीं हटाई, उनकी गाड़ी को क्रेन की सहायता से यातायात थाने लाया और जो लोग गाड़ी पर मौजूद थे उनको चेतावनी देकर चलानी कार्रवाई पर छोड़ा। 6 गाड़ियों पर चलानी कार्रवाई की और एक गाड़ी को थाने लाया। बता दें, सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 तक ये सड़कों पर गाड़ी पार्क करके नहीं रख सकते या सामान लेने नहीं जा सकते। आपको कार पार्किंग में या आउटर में अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक गाड़ी पार्क की जा सकती है। लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। सर, आज जो चलानी कार्रवाई की गई है, क्या कुछ कार्रवाई थी? आज जो कार्रवाई की गई है यातायात पुलिस द्वारा, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, आपने आमतौर पर देखा होगा कुछ लोग सड़क पर अपना फोर व्हीलर वाहन खड़े करके कुछ सामान लेने चले जाते हैं, या कोई जिनका घर है वो घर पे ही सड़क पर पार्क कर देते हैं। कई कई दिनों तक तो गाड़ी खड़ी रहती है, जिससे यातायात व्यवस्था बिगड़ती है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने अभी आज से नगर पालिका के माध्यम से हमको क्रेन मशीन उपलब्ध हुई है यातायात व्यवस्था के लिए। उसके जरिए हमने आज शहर की मुख्य 3 सड़कों पर, जैसे कि रायसी रोड है, कोर्ट रोड है, आर समाज रोड पर, इन पर कार्रवाई की है। जो जो वाहन सड़क पर मिले हमें खड़े हुए, उनके खिलाफ़ क्रेन मशीन द्वारा टो करके और उसकी चालानी कार्रवाई हमारे द्वारा की गई है, जिससे कि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से बन सके। सर, आज कितनी गाड़ियों पर कार्रवाई की गई है? लगभग आज 6 गाड़ियों पर हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है। थाने कितनी लाई गई हैं? थाने एक गाड़ी आई है, जिसके अनाउंस पहले, एक्चुअली क्या, हम लोग अनाउंसमेंट करते हैं कि जिसकी गाड़ी खड़ी है वो उठा लें। अब इसके बावजूद भी अगर वो गाड़ी नहीं हटाते, उसके बाद हमारे द्वारा गाड़ी को टो किया जाता है और थाने तक लाया जाता है। सर, ये कार्रवाई कब तक चलने वाली है? ये निरंतर चलेगी। अब ये कार्रवाई जब तक चलेगी, जब तक आपको सड़कें बिल्कुल अच्छी ना दिखने लगे, जाम की स्थिति ना बने, या फिर लोग भूल जाएं ये गाड़ी रखना, तब तक चलेगी। सर, जो लोगों के रोड पर घर हैं, उनको किस समय में गाड़ियों को उनके घर पर या उनके द्वार पर रखने की अनुमति? ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। हमने कुछ दिन पहले भी कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय से चर्चा करके ये निर्णय लिया था कि जिनके घर हैं वो व्यक्ति रात्रि 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक अपने घर के सामने अपनी फोर व्हीलर को पार्क कर सकते हैं। सुबह 8 से शाम के 8 बजे तक ट्रैफिक स्टार्ट हो जाता है शहर का, जिससे यातायात बाधित होता है। इस कारण हम सुबह 8 बजे से रात्रि के 8 बजे तक इनको अलाउ नहीं करेंगे। खबर भारतवर्ष के लिए शिवपुरी से कपिल धाकड़ की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।